राजकोट मतलब गुजरात में ऐसे सौराष्ट्र रीजन बोला जाता है जो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो जो सौराष्ट्र जोन कहते हैं उसका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोले तो वो पीडीयू सिविल हॉस्पिटल ही होता है वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रवि कोठारीपी टू हियर विथ यू फॉर रिडि कॉलेज

मेरे रूममेट्स कैसे होंगे फिर मेरे कलीग्स कैसे होंगे और उधर का खाना मैथ्स वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस थे जब पहले दिन गए उस दिन तो ओके, okay. मतलब एमबीबीएस के बाद भी एमबीबीएस में छह साल बताने के बाद भी जब आप एमडी करने जाते हो ये सब बातें मायने रखता है या तब लगता है कि हाँ सब हो गया अब सब जो भी मिलेगा ठीक है हाँ मतलब ऐसा है कि चलो एमबीबीएस में जब आप साढ़े साल सर्वाइव किया है तो आप एक माइंड तो बैक ऑफ माइंड रहता है कि चलो आप कर लोगे पर क्या है पीजी इज द दिफरेंट वेरी डिफरेंट थिंग बी एमबीबीएस की ऐसी हालत थी कि आप कॉलेज जा रहे हो ये आपकी रेसिडेंसी बोली जाती है तो मतलब आपका कुछ तय नहीं रहता कि आप घर जा पाओगे कितनी फ्रिक्वेंसी पे जा पाओगे कैसे जा पाओगे एटलीस्ट तो फिर वो सब सोचना पड़ता है कि उधर आपको अकोमोडेशन कैसा है आपको फूड अच्छा मिल पाएगा कि आप इतने टाइम तक रह सको वगैरह वगैरह ओके तो फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट डे कॉलेज पे कैसा था हाँ तो कॉलेज में मतलब जब मैं राजकोट में तो पहली बार जा रहा था तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ में आए थे मेरे एडमिशन के टाइम पे तो पहला दिन तो वही था कि जाके हमने स्टूडेंट्स ने जाके ज्वाइनिंग दिया जो फॉर्मेलिटीज होती है वगैरह वो सब खत्म की और फिर वही कि हॉस्टल का अलॉटमेंट और रूम में कौन साथ रहने वाला है वो कौन सी ब्रांच का है उस हिसाब से हमने पहला काम वही किया कि रूम जैसे अलॉट हुआ पेरेंट्स के साथ जाके रूम देखा कैसा है कैसे अकोमोडेट करना है वो सब ओके सो बेसिकली अभी 2022 चल रहा है और आप अभी थर्ड ईयर में हो मतलब आपका फर्स्ट ईयर 2020 में था या 2019 में था 19 में था मेरा फर्स्ट ईयर ओके थैंक गॉड वरना अगर 2020 में अगर आपका डिग्री शुरू हुआ होता ना मैं पूछता कि कोविड के वजह से आपने पैथोलॉजी ले लिया क्या कि हाँ डिमांड बढ़ रहा है तो चलो पैथोलॉजी कर लेते हैं यहाँ पे काफी स्कोप है मतलब मैंने जब एडमिशन लिया उस टाइम पे तो हमने कोविड का नाम भी नहीं सुना था थैंकफुली तो मतलब क्या अंडर ग्रेजुएशन का आपका मोस्ट ऑफ पार्ट मतलब प्रैक्टिकल्स होते हैं है. मतलब पीजी लाइफ टोटली डिफरेंस है कि आप हॉस्पिटल में ही रहते हो पूरा टाइम मतलब आप जो भी चीज है आप प्रैक्टिकली करते हो पर एकेडमिकली वाइज उतने लेक्चर्स वगैरह रहते नहीं है आपको जो भी है प्रैक्टिकली अप्लाई करना है और मोस्ट ऑफ द पीजी कोई भी रेस्टेंसी ले लो या फिर जो पैथोलॉजी हो या कोई क्लिनिकल ब्रांच है नॉन क्लिनिकल ब्रांच है वो मतलब यूजी लाइफ से तो हेक्टिक रहने ही वाली है और जैसे मैं मेरे खुद की ब्रांच की बात करूँ कि मैं पैथोलॉजी में कर रहा हूँ तो वो एक पैरा क्लिनिकल ब्रांच है तो मेरे को भी वीक में एक से दो इमरजेंट ड्यूटीज रहती है वो साइड ब्लड बैंक में हो या सेंट्रल क्लिनिकल लेबोरेटरी में हो और फिर हमको ब्लड डोनेशन कैंप्स भी करने होते हैं वो को छुट्टी के दिन या संडे को किसी भी दिन हो सकते हैं मतलब पूरा आपका शेड्यूल टाइट रहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको गर्ल जाने के या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए कोई फिक्स टाइम मिल पाए एंड okay. अभी कॉलेज में लाइक कैंपस का कैसा एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए तो जो कॉलेज की बात करूँ तो जो पीडियो मेडिकल कॉलेज का कैंपस है वो हम गुजरात के कंपेयर करें दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजों से तो वो थोड़ा बहुत छोटा बोल सकते हैं उसमें मेनली जो कॉलेज का बिल्डिंग आता है वो चार माले का बिल्डिंग है उसमें दो लाइब्रेरीज है वन इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड द सेकंड वन इज ऑन द फोर्थ फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर वाली मोस्टली पीजी वाले स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यूज करते हैं और फोर्थ फ्लोर इज फॉर अंडर ग्रेजुएट्स एंड टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल कैंपस दो हॉस्पिटल में अलग अलग बिल्डिंग्स के नाम है चार पाँच बिल्डिंग्स का कलेक्टिवली हॉस्पिटल बनता है तो उसमें जो मेन बिल्डिंग है वो ओपीडी बिल्डिंग रहता है जिसमें सारी होते हैं उसके ही सामने ट्रोमा केयर सेंटर की बिल्डिंग है फिर एक बच्चों की एक अलग है, है। आंख के लिए एक अलग हॉस्पिटल है और एक अभी एक नया बिल्डिंग बना है पीएमएस स्वायर करके जो भी सुपर स्पेशलिटी के लिए बना है लेकिन अभी तो वो कोविड के लिए यूज हो रहा है एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है कॉलेज में पहुंचने के लिए मतलब बसेज uh, हो ट्रेन हो फ्लाइट हो तो सबसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पास में क्या होता है अगर डिस्टेंस वाइज देखे तो कॉलेज से सबसे पास में तो रेलवे स्टेशन पड़ता है और उसके बाद बस स्टेशन जो बस स्टेशन तकरीबन तीन साढ़े तीन किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन तो एक डेढ़ किलोमीटर तो ही होगा और एयरपोर्ट का भी देखें तो आपको मतलब विद इन द रेंज ऑफ सेवन टू तो एट किलोमीटर एयरपोर्ट भी आप सकते हो

उसका जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल बोले तो वो ओपीडी सिविल हॉस्पिटल ही होता है तो कंपेरेटिवली पेशेंट लोड थोड़ा बहुत मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से रहता ही है और डेली ओपीडी सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड की ओपीडी रहती है ये अभी कम मतलब, तो काम काम हुआ था मतलब ओपीडी वगैरह क्योंकि लॉकडाउन लगा था फिर पेशेंट्स भी डर रहे थे कि उधर कोविड हॉस्पिटल है तो जाना है नहीं जाना है पर मतलब नॉन कोविड टाइम पे वर्कलोड थोड़ा बहुत ज्यादा था लेकिन वो सेकेंड वेव में जो हुआ वो तो हम सब जानते हैं उसने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी डेफिनेटली एंड फैकल्टीज के बारे में बताइए तो फैकल्टीज के बारे में तो बोले तो मतलब कुछ तो बहुत कूल होते है तो कुछ थोड़े बहुत एरोगन रहते हैं कुछ स्टूडेंट फ्रेंडली है तो कुछ पेशेंट फ्रेंडली होते हैं और पर ओवरऑल बात करें तो जैसे कि मैं जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन बोलते हैं उसका प्रेसिडेंट हूँ तो मेरा इंटरेक्शन हायर ऑथोरिटीज के साथ भी बहुत अच्छा रहता है मतलब डीन डीन सर सर तो सर सुपरिटेंडेंट तो ओवरऑल एंड ऑल आर द वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली एंड दे ऑलवेज रेडी टू हियर फॉर योर राइट थिंग्स तो उनका सपोर्ट अच्छा बना रहता है तो वैसे तो अच्छा बोल सकते हैं कि स्टूडेंट फ्रेंडली है ओवरऑल फैकल्टीज तो ओके okay, एंड and... क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तो अब आप बताइए कि रिसर्च रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं पीडीओ मेडिकल कॉलेज में में के बारे बात करें तो ऐसा है कि फैकल्टीज डिपेंड ऑन योर पीजी गाइड कैसे है और उनका रिसर्च में इंटरेस्ट कैसा है मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड अभी तो इस साल से तो राजकोट में एम्स बीच चालू हुआ है तो उस हिसाब से उसमें मतलब जाने के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए सभी के लिए रिसर्च तो लगता ही है तो रिसर्च फैसिलिटीज़ की बात करें तो उस हिसाब से मतलब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है क्योंकि पेशेंट लॉस ज़्यादा मिलते हैं आपको वेरियस टाइप ऑफ केसेस मिलते हैं मतलब रेयर केसेस भी मिल सकते हैं और आपको केस सीरीज करना हो तो सेम केस के बहुत सारे पेशेंट भी आप मिल सकते हैं बहुत छोटे मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में भी और हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट है तो उतनी सारी फैसिलिटीज़ बहुत सारी अवेलेबल नहीं रहती पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है रिसर्च के लिए तो वो तो आप शॉर्ट कर सकते हो एंड ये जो गवर्नमेंट हॉस्टल होता है ये कैसा होता है तो जैसे मैं बात करूँ तो इधर भी ऐसा ही है कि दो टाइप के हॉस्टेल्स है जो फर्स्ट हॉस्टल जो मैंने बोला जो पहला दिन हम गए थे वो हाई हाईडेस्ट बिल्डिंग करके जिसको डॉक्टर क्वार्टर्स भी बोलते हैं वो दस माले का बिल्डिंग है वो पूरा मतलब फ्लैट ही है वो पूरा तो उसमें टू बी के फ्लैट्स दिया जाता है वो फाइव टू सिक्स रेसिडेंट में डिवाइड होते हैं पर फ्लैट तो फर्स्ट ईयर उधर रहना होता है वो पूरा फ्लैट आप अपनी तरह से जैसे अरेंज करना हो यूज कर सकते हो पाँच या जिन लोगों को आलआउट हुआ है और फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद सेकंड ईयर से एक पीजी हॉस्टल करके एक दूसरा बिल्डिंग है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हॉस्पिटल और जो पुरानी हॉस्टल से भी उधर पे सबको इंडिविजुअल रूम दिया जाता है वो सम्भव थोड़ा छोटा होता है पर एक बंदे के लिए इनफ नफ है और सेकंड और थर्ड ईयर आपको उधर पीजी हॉस्टल में रहना होता है और बाकी फर्स्ट ईयर डॉक्टर क्वार्टर्स जो हाई डेस्क बिल्डिंग है उधर लेना होता है एंड मैस का खाना कैसा है तो मैस का खाना उस हिसाब से जो वैसे तो राजकोट और सौराष्ट्र जो रीजन मैंने बताया वो फूड के लिए फेमस ही होता है कि वो और वह खाना लोग उसकी तारीफ भी करते हैं फूड के लिए तो मैस सिस्टम मैंने जैसे बोला कि पीजी मेडिकल पीजी हॉस्टल है हमारी उसके नीचे पांच मैसीज है अलग अलग जो उधर जो खाना बनाने के लिए मासी वगैरह रहते हैं तो वो पच्चीस तीस स्टूडेंट्स के पर मैस रहते हैं तो वो पूरा मतलब घर के जैसा खाना आपको गर्म गरम मिल जाता है और टिफिन सर्विस पे अवेलेबल है क्योंकि मतलब लाइफ जैसी तो होती नहीं कि आपको फर्स्ट हर बार टाइम मिल ही जाए तो टिफिन सर्विस आपको हॉस्पिटल और हॉस्टल दोनों तरफ अवेलेबल है तो मतलब इकोनॉमिकल भी रहता है और फॉर फूड हेल्थी भी रहता है तो उस उस हिसाब से तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है ओके एंड लास्टली आप अपना फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए तो फीस स्ट्रक्चर में ऐसा है कि ये भी सेम तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो पर ईयर हमको थर्टी थाउजेंड फीस पे करनी होती है जो कि एडमिशन टाइम पे भी हमको नाइन्टी थाउजेंड भरने होते हैं उसमें सिक्सटी थाउजेंड जो है डिपॉजिट होती है और थर्टी थाउजेंड वो हमारी फर्स्ट ईयर की फीस होती है और जो सिक्सटी थाउजेंड डिपोजिट है वो हमको थीन ईयर कम्प्लीट करने के बाद वापस मिलती है उसके बाद हर साल तीस हज़ार पर ईयर मतलब नाइन्टी थाउजेंड टोटल कोर्स की फीस रहती है उसके अलावा सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो लगती है इसमें उसकी फीस रहती है उसकी फ़ीस ऐसा है कि बॉयज़ के लिए सेमेस्टर फीस होती है यूनिवर्सिटी की जो पर सेमेस्टर सिक्स थाउजेंड है और गर्ल्स के लिए सेमेस्टर फी नहीं होती तो मतलब बॉयज़ को यूनिवर्सिटी फ़ीस में थर्टी सिक्स थाउजेंड ज़्यादा भरने होते हैं तो टोटल वो भी कुछ मिला के फिफ्टी थ्री थाउजेंड अराउंड तीन साल की यूनिवर्सिटी फ़ीस रहती है और जो गर्ल्स के लिए सिक्सटीन थाउजेंड अराउंड रहती है लास्टली आई गेस हम लोग सब कुछ कवर कर लिए बारे में ये उनका ड्रीम कॉलेज होगा तो देखिए एडमिशन के लिए एडवाइस में तो यही बोल सकता हूँ कि देखिए पीडियू मेडिकल कॉलेज जो कि सौरष्ट में जैसे बताया कि सौरष्ट का सबसे बेटर सोई केयर सेंटर है तो जिनको आप ज्यादा एक्सपोजर चाहते हैं ज्यादा पेशेंट लोअ चाहते हैं आप डेफिनेटली इस कॉलेज को चूज कर सकते हो पर आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप सीधा पहले ही पीडियो मेडिकल कॉलेज उठा लो क्योंकि गुजरात के बारे में बात करें तो और भी इससे ज्यादा मतलब अहमदाबाद का कॉलेज है जो बहुत ही प्रेसिजियस और बड़ा भी है तो पर अगर आपकी चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की है तो आप पीडियू मेडिकल कॉलेज को एज अ फोर्थ या फिफ्थ ऑप्शन आफ्टर द अहमदाबाद बड़ोडा सूरत रख सकते हो किसी भी ब्रांच के लिए ओके सो दैट्स इट आई गेस हम लोग कॉलेज रिव्यू के बारे में लाइक सब कुछ ही कवर कर लिए सो दिस इज अ कॉम्पैक्ट कॉलेज रिव्यू आई गेस ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड इट वाज ग्रेट हैविंग यू डॉक्टर रवि थैंक यू फॉर योर टाइम यस थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मी फॉर दिस कॉलेज रिव्यू इट्स ग्रेट टाइम फॉर वी यू शिवम सर